दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो इंजेक्शन मोल्डिंग में जो कॉमन फॉल्ट आता है, जो कॉमन फॉल्ट होते हैं कुछ, उनके बारे में बात करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहले कॉमन फॉल्ट होता है उसे कहते हैं शॉर्ट शॉर्ट, या इसी को कहते हैं शॉर्ट मोल्डिंग। शॉर्ट मोल्डिंग, जो हमारा शॉर्ट मोल्डिंग आता है उसका कारण है कि इंजेक्शन प्रेशर जो होता है वो हमारा लो होता है, जो हमारा टेम्परेचर है वो लो है, इसी के कारण हमारा जो शॉर्ट शॉर्ट आता है, ये फॉल्ट आता है, इसी के कारण आता है। देखते हैं, पहला लो इंजेक्शन प्रेशर, लो इंजेक्शन प्रेशर प्रेशर, और जो दूसरा होगा कारण लो मेल्ट टेम्परेचर, लो मेल्ट टेम्परेचर, इसी के कारण हमारे जो जो हमारा शॉर्ट शॉर्ट मतलब आता है, इसी की वजह से आता है। लो टेम्परेचर रहेगा तो हमारा जो मटेरियल है वो प्रॉपर मेल्ट नहीं होगा, अगर प्रॉपर मेल्ट नहीं हो तो हमारे शॉर्ट के दौरान पूरा शॉर्ट नहीं हो पाएगा, इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। रेमडीज देखते हैं इसकी कैसे सुधार कर सकते हैं। तो लो इंजेक्शन प्रेशर, अगर हम इंजेक्शन प्रेशर को बढ़ा दें तो हमारा जो शॉर्ट मोल्डिंग है वो दूर हो सकता है। तो इंजेक्शन प्रेशर इंक्रीज, इंजेक्शन प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर। दूसरा रिमडीज है कि जो हमारा बैरल बैरल का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर दें, इंक्रीज बैरल टेम्परेचर, ये था हमारा शॉर्ट मोल्डिंग। और दूसरा जो हमारा आता है कॉमन फॉल्ट, फ्लैश, जो हमारा फ्लैश होता है। अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया इसमें, शॉर्ट मोल्डिंग में, शॉर्ट मोल्डिंग में जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जिसे हमारा डायमेंशन है, पूरे डायमेंशन का नहीं आता, आधे डायमेंशन का आता। मान लीजिए हमारा पूरे डायमेंशन मोल्ड का है, तो हमारा जैसे मान लीजिए 10 है तो उसमें 5 ही आएगा, 5 आएगा या समथिंग कुछ भी आ सकता है, उससे कम, मतलब जो 10 है उससे कम ही आएगा। और फ्लैश होता है, फ्लैश होता है जो हमारे जैसे हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मटेरियल आ जाएगा, इसी को फ्लैश कहते हैं। ये किस कारण से आता है, पहला कारण जानते हैं, हाई इंजेक्शन प्रेशर, जो हमारा हाई इंजेक्शन प्रेशर होगा तब भी हमारा फ्लैश आएगा। और फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें, लो क्लैंपिंग, लो क्लैंपिंग की वजह से भी हमारे प्रोडक्ट में फॉल्ट आता है, फ्लैश। तो इसका रेमेडी देखते हैं कैसे इसको हम दूर कर सकते हैं। तो दूसरे देखते हैं, इन जो हमारा इंजेक्शन प्रेशर है उसको रिड्यूस कर दें या डिक्रीज कर दें, या सीधे हम कह सकते हैं कि मेंटेन द इंजेक्शन प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर। और क्लैंपिंग जो होगा, क्लैंपिंग लो क्लैंपिंग है तो इसमें जो क्लैंपिंग होगा तो मेंटेन द मतलब क्लैंपिंग को सही से करेंगे, लो क्लैंपिंग मतलब हमारा जो मोल्ड है वो प्रॉपर क्लैंप नहीं है। और तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसका रेमेडी जो होगा कि प्रॉपर क्लैंपिंग, क्लैंप द मोल्ड, मतलब मोल्ड को सही से हम क्लैंप करेंगे, इसके कारण। तीसरा फॉल्ट देखते हैं, श्रिंकेज, श्रिंकेज मतलब होता है सिकुड़ना। किन्हीं कारणों से जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, तो इसको जो हमारा ये किसके कारण आता है, इसका काज जानते हैं। इसमें जो पहला काज होता है लो कूलिंग,
जो हमारा श्रिंकेज आता है लो कूलिंग की वजह से आता है। लो कूलिंग पहला कारण ये हो गया, और दूसरा होगा जो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, मतलब टेम्परेचर प्रॉपर नहीं रहेगा तब भी हमारा श्रिंकेज आएगा। टेम्परेचर वेरिएशन के कारण भी जो हमारा श्रिंकेज आता है हमारे प्रोडक्ट में, इसी के कारण आता है। और जो तीसरा कारण इसमें देख लेते हैं, लो इंजेक्शन प्रेशर। लो इंजेक्शन प्रेशर, इसकी रिमेडीज देखते हैं कि कैसे कि हम अपने प्रोडक्ट में इस फॉल्ट को मतलब दूर कर सकते हैं, श्रिंकेज ना आए हमारे प्रोडक्ट में। तो चलिए, लो कूलिंग है तो इसको मतलब कूलिंग को हम मेंटेन करेंगे। कूलिंग, मेंटेन द कूलिंग, मेंटेन द कूलिंग, कूलिंग या इसको कह सकते हैं कि मतलब जो कूलिंग टाइम है उसको सही से दिया जाए, अच्छे से कूलिंग टाइम बढ़ा दिया जाए और सही से कूलिंग दिया जाए, जिससे हमारा प्रोडक्ट है जो वो सिकुड़े ना, उसकी डायमेंशन स्टेबिलिटी जो है वो बिगड़े ना। लो टेम्परेचर वेरिएशन तो सेट द प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर। एंड लो इंजेक्शन स्पीड के लिए अगर है तो लो जैसे इंक्रीज द इंजेक्शन स्पीड। इंक्रीज द इंजेक्शन प्रेशर, मेंटेन द कूलिंग, यही हमारा काज होगा इसका। श्रिंकेज के बाद बात करते हैं एयर ट्रैप की। एयर ट्रैप हमारा किस कारण से आता है, चौथा फॉल्ट देखते हैं हम। एयर ट्रैप हमारे प्रोडक्ट में जो हमारा इम्प्रॉपर क्लैंपिंग, मतलब हमारा मोल्ड प्रॉपर क्लैंप नहीं है तब भी हमारा एयर ट्रैप आ जाता है। इम्प्रॉपर क्लैंपिंग, इम्प्रॉपर क्लैंपिंग। और फिर इसका रिमडीज होगा कि मतलब जो हमारा मोल्ड है उसको प्रॉपर क्लैंप कर दिया जाए, उसको प्रॉपर क्लैंप किया जाए, जिससे हमारा ये जो फॉल्ट आ रहा है ये दूर हो जाए। तो प्रॉपर क्लैंप, प्रॉपर क्लैंप द मोल्ड, आगे एक फॉल्ट, पांचवे फॉल्ट के बारे में बात करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट में आता है, बर्न मार्क। ज़्यादातर बर्न मार्क, बर्न मार्क ये एक प्रकार का फॉल्ट है जो हमारे प्रोडक्ट में जो हमारी वोलाटाइल गैसें होती हैं, जो वेंट लाइन होती है उससे हमारा जो वोलाटाइल गैस रिलीज होना था, अगर रिलीज नहीं होती तो बर्न मार्क आता है हमारे प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे इसका काज होगा बर्न मार्क, वोलाटाइल गैस मतलब जो हमारा रिलीज नहीं है तो ब्लॉक द वेंट लाइन। ब्लॉक द वेंट लाइन मतलब जो एक काज है हमारा रिमडीज, और ये हमारा फॉल्ट है। तो रिमडीज इसका होगा कि जो हमारा वेंट लाइन है उसको मतलब साफ कर दें या क्लीन कर दें। तो क्लीन द वेंट लाइन। और जो हमारा ये बर्न मार्क होता है हाई टेम्परेचर की वजह से भी आता है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से भी हमारे प्रोडक्ट में बर्न मार्क आता है। तो इसमें जो इसका काज होगा कि जो हमारा टेम्परेचर उसको मेंटेन कर दिया जाए, या उसको मेंटेन कर दिया जाए जिससे, या डिक्रीज द टेम्परेचर, डिक्रीज द टेम्परेचर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।